सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी बजने शाम के 4 बज गए हैं और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रूम को कलर करना। तो यहाँ हेल्प करने के लिए अनुराग है। तो अभी टेबल यहाँ था मेरा ड्राइंग टेबल, तो उसको हटा के पहले यहाँ कर लिए हैं। अब पहले इस दीवार को पेंट करेंगे, तो बस सफाई चल रही है यहाँ पे, उसका पेंट बनाना शुरू करते हैं। वीडियो भी बना, अंदर बनाते हैं। तो ये है ब्लैक कलर और इसमें है वाइट कलर। खोलने में दिन निकल जाएगा लग रहा है मेरे को तो। अब डालेंगे ये ब्लैक कलर, तो इससे बनाएंगे हम ग्रे कलर। कुछ इतना डार्क हमने कर लिया और लग रहा है ज्यादा डार्क हो गया है, और ये कुछ इस तरीके का हमको रिजल्ट मिल रहा है। सही लग रहा है ना कि थोड़ा लाइट करे? सही है ना, वो सूखने के बाद पता चलेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि थोड़ा रिजल्ट पता चले कि ये सूखने के बाद कैसा लगेगा, क्योंकि एक बार होगा कलर। A few moments later. तो ये अभी सूखने के बाद यहाँ पे सही टेक्सचर आ रहा है, थोड़ा फैन का वॉइस आ रहा होगा, यहाँ पे सही कलर आ रहा है। और ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क लग रहा है, तो देखते हैं फाइनल कैसा लगेगा। अभी जुगाड़ जमा लिए टेबल, टेबल के ऊपर स्टूल, और फिर स्टूल से फिर पहुंच जाएंगे ऊपर ऊंचाई तक। तो मेरे से तो हो नहीं रहा था पेंट, अभी अनुराग कर रहा है यहाँ पर चढ़ के। अगर पेंट करो तो काफी ज्यादा हार्ड लगता है। A few moments later. So finally guys, आज का काम हो गया और ये कुछ इतना इतना हमने पेंट किया है, तो बस आज फाइनल हो गया, मतलब आज का हो गया। अभी जा रहे हैं घूमने, तो वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। हो सकता है तो उसका मतलब दूसरा वीडियो भी आएगा। तो अभी चलते हैं और जितना भी सामान था मैं साइड कर लिया है, बाकी का काम कल शुरू करेंगे। A few moments later. मैं रेडी हो गया यहाँ पे, तो चलते हैं। अभी पापा महाभारत देख रहे हैं। सो अभी आ चुके हैं हम गोल चौक, और यहाँ से सीधा जाएंगे साइंस कॉलेज का मेला, तो यहीं से सीधा रास्ता है। तो गाइस हम पार्क कर दिए गाड़ी वहाँ पे और बस जा रहे हैं। सामने मेला है, इस साइड जाना है, तो इसे लाइटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो चलिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ वन हस्ती आप राज्य के दक्षिण सहायक हुए हैं, ठीक उसी तरह। पानी भर रहा है, वेस्ट हो रहा है पानी। ये है प्रदर्शनी हॉल, तो यहाँ से भी चलते हैं अंदर। आदिवासी नृत्य, तो ये लगा है इन आर्ट एग्जीबिशन कला क्षेत्र। तो ये है हमारे कुछ काम का जो आर्ट से रिलेटेड, यहाँ सारी चीज़ें देखने को मिलेगी।
तो ये पेंटिंग स्केचेस ड्राइंग छुपा हुआ फोटो छुपा हुआ सो गाइस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि गाड़ी 120 स्पीड पे चलाने पे क्या हालत होती है, तो सेफ ड्राइविंग के लिए भी यहाँ पे एग्जीबिशन जो है आरटीओ का सबसे पहली बार लगा है। सो गाइस हम लोगों ने मेला करीब 80% घूम लिया है और दिखाने को तो यहाँ बहुत सारा चीज, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के स्टॉल तो हमने घूम ही लिया है, जैसे एनर्जी, वाटर रिसोर्सेस, आरटीओ और भी कई सारे मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल डिपार्टमेंट, एनर्जी, बहुत सारे स्टॉल्स घूम लिए हैं जिसमें आपने उससे रिलेटेड मॉडल तो देखे ही होंगे। सो आगे गाइज अभी एक लास्ट वाला बचा है जिससे हमारा बचा हुआ 20% भी कंप्लीट हो जाएगा, शिल्पग्राम आगे देखने को मिलेगा वो। और बहुत सारे एनिमल भी थे तो मैं शूट नहीं किया क्योंकि रश काफ़ी था, तो जितना शूट कर पाऊँ इतने रश में उतना किया, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये रहा शिल्पग्राम, उन लोग का सिंह अच्छा लग रहा है, ले लेके हम लोग भी वैसे सिंह। तो ये आदिवासी फोटोशूट चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का बस्तर आर्ट शिल्प कला, फेमस आर्ट जो कि इंडिया में बहुत से लोग जानते होंगे इसके बारे में। इंडिया का सबसे फेमस आर्ट है जो मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी मिलता है, ये मेटल और रॉट आयरन से बनता है ये कम्प्लीटली। वही है जो दिख रहा है, मेटल का है क्या, छू के देखो, नहीं सो गाइस ये है सबसे फेमस अपने यहाँ की गेड़ी डांस, जो कि एक छत्तीसगढ़ की बढ़िया डांस फॉर्म है, लकड़ी के ऊपर बैलेंस बना के इस तरीके से चला जाता है। हाँ बस बस सही है, तो गाइस अभी जो देखा आपने वो था हमारा ट्रेडिशनल फोक डांस जो कि बस्तर में किया जाता है, अभी भी चल रहा है उस साइड, ये देख सकते हैं बैकग्राउंड पे अभी भी चालू है। सो फाइनली गए हम मेला घूम के वापस आ गए जहाँ हमने गाड़ी पार्क किया था, और यहाँ से चलते हैं कहीं देखेंगे कहीं खाने के लिए, भूख लग रही है, करीब अभी 10:30 बज गए, अभी तो पॉपकॉर्न ही झेले पड़े। सो आ गया अपना खाना और इधर खाना शुरू है, सच बोल भूख लगा है, कुछ भी मिल जाए सब बढ़िया पर अच्छा। तो हम अभी हम आए हैं जीएस किचन में जो कि नेशनल हाईवे 43 A few moments later. So guys, finally मैं घर आ गया हूँ, अनुराग को भी मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके घर तक छोड़ दिया और मैं भी घर वापस आ गया हूँ। So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।